अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने ये ट्राउज़र को प्रेस करते हुए इसका सेंटर कर लिया है और यहाँ से 5 इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे। इसी तरह दूसरा निशान हम 4 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब ये तीसरा निशान हम 3 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब ये निशान हम 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब यहाँ से भी हम 4 इंच की दूरी पर लगाएंगे। ये 1-1 इंच हम कम करते चले जाएंगे और यहाँ से 3 इंच की दूरी पर, और ये निशान हम 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। ये 7 निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम यहाँ बारीक पिन टैक्स डालेंगे। अब हम एक और पिन टैक्स डालेंगे। ये 2 पिन टैक्स हमने डाल लिए हैं। सेम इसी तरीके से बाकी निशानों पर हम पिन टैक्स डाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये पिन टैक्स हमने डाल ली हैं। अब ये चिप्स के ऊपर हम बोतल के ढक्कन से ये सर्कल लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम 7 दायरे बना लेंगे। ये सर्कल हमने लगा लिए हैं और ये नॉर्मल साइज का बटन लेते हुए इसके सेंटर में रखना है और एक स्मॉल सर्कल लगाना है। सेम इसी तरीके से हम ये सारे सर्कल लगा लेंगे। ये स्मॉल सर्कल भी हमने लगा लिए हैं। अब हम ये राउंड में कट करेंगे। ये तमाम सर्कल हमने कट कर लिए हैं। अब इसको फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हम प्रेस करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिए हैं। अब इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करते हुए हम राउंड में सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहां से कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से बाकी सर्कल भी हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड में फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसके सेंटर में रखेंगे और दरमियान वाले सर्कल के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब सेम इसी तरीके से बाकी सर्कल्स को भी हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड, ये दरमियान में सिलाई लगाते हुए हमने सर्कल फिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ सेंटर में हमने हल्के हल्के कट लगाने हैं। ये कट हमारे सिलाई के ऊपर नहीं आने चाहिए। सेम इसी तरीके से हम तमाम सर्कल्स में कट लगा लेंगे। ये कट्स हमने लगा लिए हैं। अब इसको पलट लेंगे। अब सेम इसी तरीके से बाकी सर्कल्स को भी हम पलट लेंगे। ये हमने सर्कल्स को पलट लिया है। अब हम पोटली बटन बनाएंगे। इसके लिए हमने स्क्वायर पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 2.5 इंच है। इस तरह फैब्रिक से हम कतरन बनाएंगे। ये कतरन हमने बना ली है। सेंटर में फिरकी को रखते हुए हम सर्कल लगाएंगे। ये देखें सर्कल हमने लगा लिया है। अब ये धागे को गिरा लगाते हुए हम यहाँ से राउंड स्टिच करेंगे। इस तरह ये सेंटर में रखते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे। नेल्स की मदद से इसे दबाव देंगे और खींचते हुए ये बटन तैयार करेंगे। इस तरह से इसको गिरह लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम बाकी बटन भी तैयार कर लेंगे। ये बटन हमने तैयार कर लिए हैं। अब इन सुराखों के अंदर हम डालेंगे। ये बटन हमने डाल लिए हैं। अब हम इसको इस तरह खोलेंगे
और यहाँ तुरपाई करते हुए इस फैब्रिक को फिक्स कर लेंगे। ये हमने इसे तुरपाई के साथ फिक्स कर लिया है। अब बाकी सर्कल्स को भी इसी तरह तुरपाई के साथ हम फिक्स करेंगे। ये तुरपाई करते हुए हमने बटनों को फिक्स कर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पहुँचे पर हम ये टिश्यू फैब्रिक लगाएंगे। इस तरह की लेसें भी अवेलेबल हैं, अब वो लेकर लगा सकते हैं। और ये 1.5 इंच की चौड़ी सर्टिप की कटिंग की है, यहाँ रखते हुए इसे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे इस तरह पलटते हुए तुरपाई करेंगे। ये देखें, ये हमने सर्टिप को और टिश्यू फैब्रिक को फोल्ड करते हुए तुरपाई कर ली है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये साइड की सिलाई लगाते हुए हमने ट्राउज़र को रेडी कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र तैयार हुआ है। आप ये डिज़ाइन दामन और बाजों पर भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।